स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज अड्डा पर। इस चैनल पर मिलेंगे आपको नॉलेज भरी सभी जानकारी। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं हाउ टू रिमेंबर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को आसानी से कैसे याद कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स को हम आसानी से कैसे ड्रॉ कर सकते हैं बाय ट्रिक के माध्यम से। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूरी तरह से याद करा दूंगा। सो फ्रेंड्स, आज के बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूरी तरह से मेमोराइज हो जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा जैसे साइन थीटा, टैन थीटा, कॉस थीटा, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है इसके 0 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री की वैल्यू पूरी तरह से याद हो जाएंगी। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने एक चार्ट ड्रॉ किया है। कॉलम में हमने लिया है साइन, कॉस, टैन और रो में हमने एंगल्स लिखे हुए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो दोस्तों, हमें फर्स्ट क्या करना है, सिर्फ कुछ नंबर लिखने हैं। जैसे मैं लिख रहा हूँ 0, 1, 2, 3, 4, 4 तक सीक्वेंस वाइज हमने नंबर लिखे हैं। सो नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इन नंबर को 4 से डिवाइड करना है। इन नंबर को हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं। हमने सब नंबर को 4 से डिवाइड किया है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, इन नंबर्स को, इन वैल्यू को अंडर रूट, स्क्वायर रूट में लिखना है। सभी वैल्यू को हमने स्क्वायर रूट में लिखा है। तो दोस्तों, आगे की स्टेप क्या है, इन स्क्वायर रूट को सॉल्व करना है। तो दोस्तों, इन सब स्क्वायर रूट को सॉल्व करना है। दोस्तों, हम चलो सॉल्व करते हैं। रूट 0, 0 अपॉन दिस वैल्यू 0, रूट 1, 1, रूट 4 की वैल्यू होती है 2, सो गाइस 1/2। तो दोस्तों, रूट 2 यह हमें इंडिविजुअली सॉल्व करना होगा। सो फ्रेंड, यह होल रूट 2 है, यह रूट 2, रूट 4 की वैल्यू 2 हो जाएंगी। सो फ्रेंड्स, अभी इसे हमें रूट 2 को बोथ मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। सो रूट 2 इंटू रूट 2, रूट 4, रूट 4 की वैल्यू 2, 2 2 गेट कैंसल, आखिर में रूट 2 बचेगा। सो दोस्तों, अब हमें इसे सॉल्व करना है, रूट 3 अपॉन 4। सो यह रूट 3 एज इट इज रहेगा, रूट 4 की वैल्यू आएंगी 2। सो दोस्तों, हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा, रूट 4 की वैल्यू 2 और रूट 4 की वैल्यू 2, 2/2, 1। सो दोस्तों, हमने साइन का चार्ट फिलअप कर दिया है। दोस्तों, साइन 0 0 होता है, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री 3/2 होता है और साइन 90 डिग्री 1 होता है। दोस्तों, इसी तरह हमने कॉस का भी चार्ट फिलअप करना है। तो दोस्तों, कॉस का जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेते हैं वह कैसे लेने हैं, साइन से लेने हैं। जिस साइन के जो रेशियो आए हैं उस रेशियो को पीछे से लिख के आना है। जैसे कि 1√3/2, 1/√2, 1/2, 0। कॉस की रेशियो, हमने जो साइन की रेशियो है उस रेशियो को पीछे से लिख किया है। जैसे √1, यह 1 यहाँ लिख किया है, इसको यहाँ लिखा है, यह पीछे से हमने लिख किया है। सो टैन के रेशियो निकालने वक्त टैन का जो फार्मूला है साइन अपॉन कॉस, इस फार्मूले की हेल्प से हम टैन के रेशो निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, साइन 0 यानी साइन 0, 0 अपॉन 1 क्या होगा, 0 होगा। सो दोस्तों, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2 क्या होगा, 2 गेट कैंसिल हो जाएगा, आखिर में 1/3 बचेगा। तो दोस्तों, 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2 क्या होगा, 1 होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो दोस्तों, √3/2 अपॉन 1/√2, ये 2 गेट कैंसिल हो जाएगा, आखिर में सिर्फ √3 बचेगा। तो दोस्तों, 1/0, 0 से हम किसी भी नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो हमें इन्फिनिटी आंसर। तो दोस्तों, आप इस चार्ट की मदद से कोसेक, सेक और कॉट की भी रेशियो निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी थी आज की ट्रिक, यह हमें कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।